हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एमएस वर्ड से रिलेटेड है। एमएस वर्ड में आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और एक ऐसी यूनिक फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही रेयरली लोगों को पता होता है। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, एक्सेल से रिलेटेड बनाया था, टॉप 3 एक्सेल ट्रिक्स जिससे आप एक्सेल में बहुत एक्सपर्ट बन सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वो वीडियो अपलोड करके रखा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो को चेक करो। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आपको मेरे हर एक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड मेरे चैनल को जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके आप कमेंट्स करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड आपको बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, जैसे कि आपका एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, तो वैसे ही एमएस वर्ड है। अभी एम एस वर्ड में जो पहला ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये। वो ये कि जब आप यहाँ पे हेडर डालते हो, हेडर फुटर आपको पता ही होगा कि आप इंसर्ट में जाते हो और यहाँ सब ऑप्शन लेते हो हेडर का, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडर डाला, फर्स्ट ये ब्लैंक लिया, और यहाँ पे अगर आप जो हेडर डालोगे तो वो आपको हर एक पेज पे दिखाई देता, आपको पता होगा ये बात, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने हेडर में जस्ट एग्जांपल डाला चैप्टर 1, यहाँ से कर दिया क्लोज हेडर एंड फुटर, तो आपको ये चैप्टर 1 हर एक पेज पे दिखाई देगा। सी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चैप्टर 1 है तो नीचे चैप्टर 2 चाहिए। अगर आप इसे एडिट करने की कोशिश करें, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको चैप्टर 1 के लिए चैप्टर 2 कीजिए, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर कीजिए, सी ये चैप्टर 2 यहाँ पे आ गया, यानी फर्स्ट पेज पे चैप्टर 1 लिखा होना चाहिए और ये भी क्या हो जाएगा चैप्टर 2। तो हर एक पेज का क्या हो जाता है प्रॉब्लम कि हर एक पेज का जो हेडर होता है वो चेंज नहीं हो पाता। तो अब मैं जो आपको ये पहला ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आप हर एक पेज का अलग अलग हेडर सेट कर पाओगे। देखते कैसे करना, आइए अभी यहाँ पे वापस इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 लिख देते हैं ताकि हर जगह चैप्टर 1 आ जाए। अब पहले पेज पे आ गया चैप्टर 1, अब नीचे क्या चाहिए आपको चैप्टर 2। तो आपको करना क्या है, पहले जिस पेज का आपको हेडर चेंज करना है, ठीक है, आपको चेंज करना है सेकंड पेज का, तो आपको फर्स्ट पेज के एंडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज के एंडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। वापस बोलता हूँ, आपको चेंज करना है सेकेंड पेज का हेडर, ओके। तो सेकेंड पेज का हेडर चेंज करना है तो आपको फर्स्ट पेज के एंडिंग पे क्लिक करना है, ओके। एंडिंग पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है पेज लेआउट, एंड देन आपको जाना है ब्रेक्स, और ब्रेक्स पे जाने के बाद आपको लेना है यहाँ से नेक्स्ट पेज। क्या लेना आपको, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आ जाने के बाद यहाँ पे अब ये जो हेडर है यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है ऐसे, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा डिज़ाइन का, ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, देख सकते हैं हेडर एंड फुटर टूल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना लिंक टू प्रीवियस, इस पर क्लिक कीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है आपको चैप्टर 2, इसको चैप्टर 2 कीजिए, क्लोज हेडर एंड फुटर कीजिए, और अब आप देखिए सेकेंड पेज पे आ रहा है चैप्टर 2। अब देखते हैं फर्स्ट पेज पे क्या लिख के आ रहा है, चैप्टर 1 हो गया ना आपका। देखा कितना आसान सा ट्रिक था ये, बहुत ही रेयरली लोगों को पता होता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे आ रहा है चैप्टर 2, मुझे यहाँ पे चाहिए चैप्टर 3, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एंडिंग पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट, ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ से डबल क्लिक, ओके। तो अभी हमको क्या करना है यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करना है, ओके। एंड लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करने के बाद इसको मिटाएंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे चैप्टर 3, यहाँ से कर देंगे क्लोज हेडर एंड फुटर। अब आप देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 3, यहाँ पे आ जाएगा चैप्टर 2, यहाँ पे आ जाएगा चैप्टर 1, हर एक पेज पर आ गया। और एक बार लास्ट बार मैं वापस बता देता हूँ, अब मान लीजिए आप यहाँ पे चैप्टर 3 के लिए 4 चाहिए, तो आप यहाँ पे एंड पे क्लिक कीजिए, लेआउट, ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे डबल क्लिक, देन लिंक टू प्रीवियस, इसको मिटा के 4, क्लोज हेडर एंड फुटर, यहाँ पे आ गया चैप्टर 4, यहाँ पे आ गया चैप्टर 3, यहाँ पे आ गया चैप्टर 2, एंड यहाँ पे आ गया आपका चैप्टर 1। ओके, अभी जो दूसरा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड का, वो है डिफरेंट आपके बॉर्डर्स। हर एक पेज के लिए अगर अलग अलग बॉर्डर सेट करना है आपको तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखिए डिज़ाइन में हम जाएंगे पेज बॉर्डर पे, जब हम जाते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं एक आर्ट से लेता हूँ बॉर्डर के लिए, मैंने यहाँ पे एप्पल्स वाला बॉर्डर लिया,
तो आप देख सकते हैं हर एक पेज पे सेम एप्पल्स आते हैं आपको, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ से क्या करना है, ये फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, अब सेकंड पेज का आपको बॉर्डर चेंज करना है। अगर आप चेंज करने के लिए जाएंगे, जैसे कि डिज़ाइन में गए, पेज बॉर्डर पे गए और यहाँ से आपने लिया कुछ और बॉर्डर ले लिया एंड ओके किया, तो आप देखेंगे हर एक पेज का चेंज हो जाता है, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, हर एक पेज का अलग अलग पेज बॉर्डर करना है, तो वो कैसे करना है आइए देखते हैं। अब ये पहला पेज का आपका पेज बॉर्डर है, ये सेकंड पेज का आपका पेज बॉर्डर। अब सेकंड पेज का आपको चेंज करना है तो इसके स्टार्टिंग पे क्लिक करो, कहाँ पे क्लिक करना है आपको, स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग पे क्लिक करने के बाद लेआउट पे जाना है, ब्रेक्स पे जाना है और यहाँ से आपको लेना है कंटिन्यूस। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जब आपको जाना है डिज़ाइन देन पेज बॉर्डर। अब यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है, जो आपको चाहिए आपने एप्पल सेलेक्ट किया, और यहाँ से आपको लेना है दिस सेक्शन। क्या लेना है आपको यहाँ से, दिस सेक्शन, उस पर क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। अब आप देख सकते हैं पहला भी अलग और दूसरा भी अलग। अब चलिए देखते हैं, अब थर्ड मुझे और कुछ और चाहिए, तो आप कैसे करोगे, स्टार्टिंग पे क्लिक करोगे, उसके बाद लेआउट, ब्रेक्स, कंटिन्यूस एंड डिज़ाइन, पेज बॉर्डर, सेलेक्शन, दिस सेक्शन एंड ओके सी। अब ऐसे हर एक पेज का बॉर्डर भी अलग अलग सेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही वैल्यूबल ट्रिक्स है, जो कि बहुत ही रेयरली लोगों को पता होता है कि कैसे चेंजेस किया जाता है, ठीक है। ओके जो नेक्स्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ एडिशन के लिए। अभी मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा है 10, यहाँ पे 20। अब आपको पता है एक्सेल में अगर आपको इसका एडिशन करना रहता है तो आप फॉर्मूला लिख के इसका एडिशन निकाल सकते हो, ठीक है। एंड इवन एमएस वर्ड में भी आप यहाँ पे लेआउट में जाके फॉर्मूलास में जाके यहाँ पे जब आप लिखोगे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में नंबर है, एंड ओके करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल आ जाता है, बराबर। पर मैं जो भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अलग ट्रिक है जिसका मैं शॉर्टकट की पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको प्रेस क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F9। क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्लस F9। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हुआ। अब यहाँ पे आपको लिखना इक्वल्स टू 10 प्लस 20। अब आपको इन दोनों का एडिशन यहाँ पे चाहिए, तो इतना लिखने के बाद आपको प्रेस करना है F9। क्या प्रेस करना है आपको, F9। तो देखिए यहाँ पे आपको ये टोटल बता देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देन आफ्टर प्रेस F9, ठीक है, समझ में आया। तो है ना ये बहुत ही आसान सा ट्रिक जिसमें आप एडिशन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आपको पहले प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F9 और उसके बाद इक्वल्स टू जिस नंबर को ऐड्स करना हो लिखना है और लास्ट में प्रेस कर क्या करना है, F9, ठीक है। तो होप्स आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा जिसमें मैंने टॉप 3 आपको एमएस वर्ड की ट्रिक्स के बारे में बताया, जिसमें से पहला मेरा था ट्रिक का आपका अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर्स लेके आना, फिर दूसरा ट्रिक था मेरा अलग अलग पेज पे अलग अलग डिज़ाइंस के बॉर्डर्स क्रिएट करना, और तीसरा ट्रिक मैंने आप जो आपको बताया वो बताया कि आप एडिशन कैसे कर सकते हो एक फार्मूला से, ठीक है। एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल प्लस F9 दबाना है और उसके बाद वो एडिशन करने के लिए आपको लास्ट में प्रेस करना है F9, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स आप अपने एमएस वर्ड में ट्राई करके देखिए, और अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे भेजें, मैं वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो होप्स आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं ऐसी ट्रिक्स और बनाने की कोशिश करूँगा एंड जितना हो सके मेरे चैनल के वीडियोज़ को और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और लोग भी जो इस ट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको इन की ज़रा से भी जानकारी नहीं, वो भी इस ट्रिक से बहुत कुछ सीख सके। ओके तो अगर आपने प्लीज़ अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड जितना हो सके लोगों तक भी ये वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश करें। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।